हेलो एवरीवन, ललिता भारद्वाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर के दाल, जिसे आप निमोना भी कह सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मटर की दाल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक कटोरी मटर, और ये देखिए मैंने दो लिए हैं प्याज, जिसको मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। दो टमाटर हैं और इसको भी मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया, और इसी में मैंने दो से तीन हरी मिर्चें भी ब्लेंड कर लिया है। और ये देखिए एक लिया है मैंने आलू, तो इसको मैंने इस तरह से बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए सूखे मसालों में मैंने लिया है, एक चम्मच लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, कसूरी मेथी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हींग, एक लिया है मैंने तेज पत्ता, और एक छोटा टुकड़ा लिया है मैंने दालचीनी का। और ये देखिए ये मैंने दो ली हैं हरी मिर्चें, इसको मैंने इस तरह से स्लिट कर दिया है, इसको हम तड़के के लिए यूज़ करेंगे। और ये है धनिया पत्ता। तो चलिए दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हम इन मटर को एक बार मिक्सी ग्राइंडर में दरदरा पीस लेते हैं। तो ये देखिए, चलिए इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। हमें इसमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही इसे पीसना है। तो ये देखिए दरदरा मैंने मटर को पीस लिया है, और इसमें आपको दिख रहे होंगे कुछ जो है चंक्स इसमें मटर के साबुत दिख रहे होंगे, तो इसे हमें ऐसे ही पीसना है। तो ये देखिए अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम डालेंगे 1.5 से 2 टेबलस्पून ऑयल। तो ये देखिए इस तेल में डालेंगे हम दालचीनी, तेज पत्ता, ज़ीरा, तो इनको हम भून लेंगे हल्का सा। ये देखिए अब डालेंगे इसमें हम अदरक, लहसुन का पेस्ट, इनके जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसी के साथ साथ इसमें डाल देंगे कटे हुए ये प्याज, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज लगभग भुन चुका है, और इसी के साथ अब मैं डाल दूंगी ये कटे हुए आलू, ताकि हम प्याज के साथ साथ इनको भी अच्छे से भून लें। ये देखिए अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, इसी के साथ डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, और इनको अब हम अच्छे से भून लेंगे। अब हमें इसे ढक के 1 मिनट के लिए पहले पकाना है। ये देखिए मसाला कितना अच्छा भुन चुका है, और अब हम इसी के साथ साथ इसमें डाल देंगे हमारे ये मटर, और मटर को भी हम पहले इनके साथ अच्छे से भून लेंगे। और अब हमें इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पहले ऐसे ही पकाना है। ये देखिए, और अब हम डालेंगे इसमें पानी, देखिए मैंने 1.5 कटोरी पानी डाला है इसमें, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें आने देते हैं हम 2 से 3 बॉईल। तो ये देखिए दाल हमारी लगभग पक के तैयार है, तो इस टाइम डालेंगे हम इसमें कसूरी मेथी,
और 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम थोड़ा सा और पका लेंगे। ये देखिए हमारी दाल बनके तैयार है, तो अब मैं इस पर डाल दूँगी हरा धनिया और चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी मटर दाल बनके तैयार है, तो अब मैं इसमें लगाती हूँ एक छोटा सा तड़का। और तो ये देखिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है और इसमें डालेंगे हम हींग। हींग को हम हल्का सा पका लेंगे और अब डालेंगे हम इसमें ये कटी हुई हरी मिर्ची। तो ये देखिए, तो ये देखिए और ऊपर से कर देंगे हम हरे धनिया से इसकी गार्निशिंग। तो ये देखिए हमारी मटर दाल बनके तैयार है, तो आप इसे खाइए, एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।